क्या स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक कार्बोरेटर के साथ आने वाली है? ऐसा सवाल मुझसे कई बार कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है दोस्तों। उसका कारण यह है कि YouTube पर लोग एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें तथ्य और कारणों के साथ फुली कॉन्फिडेंस के साथ ये बताया जा रहा है कि भाई स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक बहुत जल्द आने वाली है। तो जो हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर भाई इंतजार कर रहे हैं इस बाइक का कि भाई जैसे ही आएगी खरीदूंगा, तो उनको आज मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप इंतजार करें या फिर ना करें। सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, उस वीडियो की बात करते हैं। उस वीडियो में दिखाया गया है कि उसमें फुली डिजिटल मीटर लगा है जो कि एक्सटेक में आ रहा है, और दूसरी चीज उसमें बाईं तरफ एक जो 100 ml की बोतल लगी होती है वो लगी हुई है, और उसकी पेट्रोल जो पाइप है वो जा रही है टैंक के नीचे। तो इससे लोगों का विश्वास ये 100% हो रहा है कि वो तो सिर्फ कार्बोरेटर में ही लग सकती है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन में तो वो लगी नहीं सकती है। और जब वो लगी हुई है तो 100% आप ये जानिए कि वो कार्बोरेटर्स के साथ आ रही है। और तीसरी चीज़ जो उसमें देखने वाली बात है वो बताई जा रही है कि उसमें BS4 वाला साइलेंसर लगा है बिना कैटेलिटिक कन्वर्टर। तो इतनी सारी चीज़ें उसमें दिखाई जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना जो विचार है इसके ऊपर रख देता हूं। अब सबसे पहली बात दोस्तों, मैं ये भी मानता हूं कि उसमें एक्सटेक वाला मीटर लगा है, मैं ये भी मानता हूं कि उसमें जो लगा है उसमें बोतल लगी है और वो कार्बोरेटर में लग सकती है, इसलिए आप विश्वास कर सकते हैं। लेकिन आपको सोचने वाली बात यह है कि जो उसमें साइलेंसर लगा है उसमें कैटेलिटिक कन्वर्टर नहीं लगा है, और BS4 में तो ये चल जाता, लेकिन BS6 में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मतलब ये नियम है, लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब BS4 बाइक आई थी तो जो पेट्रोल उड़ता था पेट्रोल टैंक से, उसको हटाया गया, ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद किया, उसमें दूसरा सिस्टम दिया गया, उसमें पर्ज किट लगाई गई, कैनिस्टर लगाए गए जिसकी वजह से पेट्रोल ना उड़े। लेकिन BS6 में साइलेंसर से जो खराब गैस निकलती थी उनको कैटेलिटिक कन्वर्टर के द्वारा उनको सही गैसों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे प्रदूषण ना हो, वातावरण जो हमारा पर्यावरण है वो बचा रहे। तो इसलिए अगर बाइक आती है कार्बोरेटर के साथ, जैसे प्लैटिना आपने देखी होगी, तो उसमें कैटेलिटिक कन्वर्टर तो लगाना ही पड़ेगा, और उसमें लगा नहीं है, इसका मतलब वो बाइक मॉडिफाई की जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे कोई चीज टांग के और आप पाइप नीचे लेकर चले जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वो कार्बोरेटर के साथ आ रही है। और तीसरी चीज सोचने वाली बात, अगर वो जैसे बाइक आ जाती है कार्बोरेटर के साथ, तो जो इनकी एक्सचेंज टेक्नोलॉजी है और फ्यूल इंजेक्शन है, इसको ये कैसे बताएंगे कि हमारे में एक्सचेंज टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें इसको कैसे दिखाएंगे। और तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात दोस्तों, कि उसमें रियल टाइम माइलेज कैसे चेक करेंगे, कार्बोरेटर में कौन सा ऐसा सेंसर लगा देंगे जिससे वो रियल टाइम माइलेज को चेक कर पाएगी, क्योंकि उसमें जेट लगे होते हैं, उसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो नापी जा सकती हैं, जिससे रियल टाइम माइलेज बताई जा सकती है। तो इसमें रियल टाइम माइलेज नहीं बताएगी तो उसका मीटर का क्या करेंगे, आप ये बताइए। तो मुझे लगता है कि जैसे अगर स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक कार्बोरेटर के साथ आती है तो दो ही कारण हो सकते हैं। पहली बात तो कॉस्ट कटिंग के लिए, जैसे पैसे कम करने के लिए, अभी 90,000 रुपए की है हमारे उत्तर प्रदेश में, 89,000 या 90,000 रुपए की है, अब उसको 85,000 रुपए में लाने के लिए हो सकता है कार्बोरेटर के साथ लाएं, लेकिन मुझे लगता है। और दूसरा कारण यह हो सकता है, जैसे स्प्लेंडर और HF डीलक्स के उसके फ्यूल इंजेक्शन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कुछ कुछ बाइकों में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए उसको डर के मारे हटा रहे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हीरो की बड़ी बदनामी होगी कि भाई कार्बोरेटर में ले, इनका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम सही नहीं है, जबकि एक्सचेंज टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़्यादा फेमस कर रहे हैं, प्रोग्रामेड FIs पर लिखा होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई ऐसा करेंगे हीरो वाले, क्योंकि वो इसमें लाएंगे तो फिर उनको HF डीलक्स मिलाना होगा, HF 100 मिलाना होगा, सबकी प्राइस कम हो जाएगी। अब यहाँ पर बताने वाली बात है कि क्या ये आएगी, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, या नहीं आएगी। भाई यहाँ पर मैं अगर 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई आएगी और नहीं आएगी तो भी बेइज्जती होगी, और अगर मैं कहता हूँ नहीं आएगी और अगर आ गई तब भी बेइज्जती होगी। इसलिए मैं ये अनुमान के साथ आपको बता सकता हूँ, अपने अनुभव के साथ, कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, उस बाइक को मॉडिफाई या किसी प्रकार से चेक किया जा रहा होगा, इसलिए उसमें ये सारी चीजें लगाकर चेक की जा रही होंगी कि भैया ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए उसकी जो वीडियो आई होगी वो वही आई होगी, और उसी के आधार पर बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि भाई ये बाइक ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आ गई तो भाई आपके ही पैसे बचेंगे, आपको ही मजा आएगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इंतजार करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल भी इंतजार न करें, आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक के बारे में यही बताना चाहता था, जिससे आपको जानकारी हो पाए दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपकी जो भी बातें थी वो मैंने क्लियर कर दी। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जैसे मैं हीरो को सजेशन दूँ कि भाई उसमें ये सारी चीज़ें बदल दें, जैसे घड़ी वड़ी दे दें, हमारे बहुत से भाई बंधुओं का कहना। तो भाई देखो, ऐसा है कि डायरेक्ट पवन मुंजाल जैसे हमारा परिचय तो है नहीं, ना तो उनके इंजीनियर से हमारा परिचय है। ये लोग जैसे कि देते हैं तो कुछ चीज़ें रखने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे वो नेक्स्ट अपडेट में दें तो लोग कहें कि अब ये आ गया, चलो अब इसको लेते हैं, ये आ गया। जैसे कुछ नया करने के लिए अगर एक ही बार में सब कुछ दे देंगे तो फिर अगली बार क्या देंगे। तो इसीलिए जैसे आप राजनीति में देखते हैं, अगर सब कुछ हो जाएगा, विकास हो जाएगा, तो फिर अगली बार चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। तो इसीलिए उसमें भी सिस्टम होता है। हाँ, मैं आप लोगों की जो भी बातें हैं वो
कंपनी तक जैसे वीडियो बनाकर ही पहुंचा सकता हूं, क्योंकि वहां पर मेरी कंपनी नहीं है। मेरी कंपनी है भाई ये M2R प्लस पॉलिश की और माइक्रोफाइबर क्लॉथ की, शैम्पू की और डैशबोर्ड पॉलिश की। आपकी बाइक चाहे हीरो बजाज किसी भी कंपनी की हो, कार हो, स्कूटर हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, उस पर आप M2R प्लस पॉलिश लगाएं जिससे वो हमेशा चमकती रहे, उसकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहे। M2R शैम्पू से उसको धोएं जिससे आपकी बाइक स्कूटर कार की लंबी उम्र बनी रहे, और उस पर डैशबोर्ड पॉलिश लगाना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ, 350 जीएसएम का 40x40 का ये कपड़ा बिल्कुल जरूर खरीदें जिससे आपकी बाइक स्कूटर कार पर कोई भी स्क्रैच ना आए। 350 जीएसएम का 40x40 का इतना बड़ा सा कपड़ा होता है, ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको खरीद सकते हैं। सबका मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको जाकर खरीदें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।